आज मैं बहुत ही आसान तरीके से मूली का इस तरह का लड़ुआ बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हम 2 किलो मूली लिए हैं, उसमें थोड़ा सा ये भुना हुआ तिल डाल देंगे और उसके बाद अपने हाथों से अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। और उसके बाद हम 1 केजी गुड़ लिए हैं, इसे हम अच्छी तरह से तोड़ लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसमें लिक्विड गुड़ मिलता है उसका भी बना सकते हैं। तो 1 कढ़ाई लिए हैं और उसमें हम सभी गुड़ को इसमें डाल देंगे। तो गुड़ को तोड़ कर डालने से ये जल्दी मेल्ट होगा फ्रेंड्स। तो 1/2 गिलास इसमें पानी डाल दिए और पानी बहुत अंदाज से डालना है फ्रेंड्स। 1 केजी है तो उसमें 1/2 गिलास से थोड़ा कम ही डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा गीला हो जाएगा तो बहुत देर तक से इसे पकाना पड़ेगा। और इसे छलनी की सहायता से चारों तरफ से मीडियम आँच में इस गुड़ को हम पकाएंगे। तो देखिए, एकदम अच्छी तरह से ये मेल्ट हो गया है और इसे अच्छी तरह से बराबर चलाते हुए इसे हम मिलाएंगे फ्रेंड। तो गुड़ को अच्छी तरह से पकाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम इसे चेक करके देख लेंगे कि ये मेरा गुड़ अच्छी तरह से पक चुका है। तो 1 कटोरी में पानी लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम छन्नी से डालेंगे। अगर ये इस तरह से हो जाता है नीचे जाकर, एकदम देखिए इस तरह से बंधाने लगता है, एकदम देखिए इस तरह से बंधाने लगता है, तो समझिए कि आपकी पाक बहुत ही परफेक्ट हो चुका है बनाने के लिए लड़ुआ। तो देखिए इस तरह से हम देख लिए। और उसके बाद अब इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे और गैस को अब ऑफ कर देंगे और ये मुढ़ी में हम अब डालेंगे फ्रेंड्स। तो मुढ़ी ये 2 केजी में 1 केजी आप गुड़ लीजिए, इसका भी अंदाज बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो अब गुड़ तो बहुत गर्म है फ्रेंड्स, तो इसे हम कलछल के सहायता से धीरे धीरे इसमें डालेंगे और छलनी से इसे हम मिलाएंगे। तो अगर आपके पास 2 जन है तो बहुत ही ये आसानी से जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स। और इसे गर्म गर्मा गर्म ही इसमें हम डालेंगे। तो इस तरह से डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे छलनी से, और इसे अच्छी तरह से जल्दी जल्दी मिलाना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। तो देखिए, इसे हम चारों तरफ से अच्छी तरह से मिलाकर और थोड़ा सावधानी से मिलाएंगे फ्रेंड्स, नहीं तो हाथ में भी लगने का डर रहता है। तो इस तरह से हम चारों तरफ से इसे अच्छी तरह से मिला लिए और उसके बाद इसे पानी के हाथ में पानी लगाकर और इसे अच्छी तरह से अपने हाथों से इस तरह से करके और इसे गोल गोल लड्डू के आकार का हम इसे शेप दे देंगे। और ये बहुत ही शानदार बनता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स, और बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसे गोल गोल सभी को एकदम जल्दी जल्दी इसे बना लीजिए, और 2 जन है तो उसकी सहायता से और इसे जल्दी जल्दी गर्मा गर्म ही इसे बनता है, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये लड्डू नहीं बनेगा। तो इसे इस तरीके से आप बनाते हुए कड़े हाथों से अच्छे से इसे दबाते हुए लड्डू जैसा हम सभी बना लेंगे। और फ्रेंड्स, इस मकर संक्रांति में इसे ज़रूर बनाइए। तो इस मकर संक्रांति का ये बहुत ही स्पेशल लड़ुआ है फ्रेंड्स। तो मकर संक्रांति का बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंड्स आप सभी को, जो मेरे YouTube फैमिली हैं उनके लिए ये मुढ़ी का लड़ुआ मकर संक्रांति स्पेशल है फ्रेंड्स। तो ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी? मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।